सो हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू द ट्विन ब्रोस। मेरा नाम है सौम्या ओझा और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा दूसरा चैप्टर, द डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन सोसाइटी। नाउ ये दूसरा चैप्टर है विद इन द यूनिट स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी, जो कि हमारा फर्स्ट यूनिट है सोशियोलॉजी के सीयूटी सिलेबस में। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, मतलब हमें सब चीज कवर करनी है, ठीक है, अगर ऐसे बोलो तो वो हम लोग इस चैनल पे करेंगे। जस्ट मेक श्योर दैट यू हैव अ पीडीएफ ऑफ ओल्ड एनसीईआरटी, बिकॉज कुछ कुछ चैप्टर्स एंड कुछ कुछ पार्ट डिलीटेड है आपके न्यू एनसीईआरटी में। सो यू कैन इजिली डाउनलोड द पीडीएफ फ्रॉम एनी ऐप और यू कैन गेट इट फ्रॉम टेलीग्राम ग्रुप एज वेल। सो उसे डाउनलोड करो और आराम से अपनी पढ़ाई स्टार्ट करो। इस वीडियो में हम सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कवर कर रहे होंगे इस चैप्टर में। तो एज आई शो यू द क्वेश्चन, यू जस्ट हैव टू पॉज इट एंड आंसर अपने कॉमेंट सेक्शन में लिख लो अच्छे से, क्योंकि उससे लर्न ज्यादा अच्छे से होता है। यू विल रिमेम्बर कि आपने ये आंसर लिखा था एंड यू विल रिमेम्बर इट इजिली। तो ये है एंड ऑल्सो सजेस्ट यू, इफ यू गेट एनी आंसर रॉन्ग, जस्ट मेक श्योर दैट यू राइट इट समवेयर एज आई हैव टोल्ड यू इन द प्रीवियस वीडियो, क्योंकि उससे याद अच्छे से होगा एंड इट्स बेटर दैट यू मेक अ मिस्टेक बुक एज आई सेड इन द प्रीवियस वीडियो। नाउ विल स्टार्ट विद द वीडियो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द टर्म डेमोग्राफी मीन? राइट, सो फर्स्ट ऑप्शन ए द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, बी द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, सी द स्टडी ऑफ सोशल इंटरक्शन, डी द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम्स। पॉज करो, आंसर लिखो। हमारा सही आंसर है द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। नाउ आप लोग बोल रहे होंगे कि ये तो सिंपल डेफिनेशन है, ये क्यों आएगा सीयूटी में, बट सीयूटी में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस भी आते हैं और कुछ कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं ट्रिक करने के लिए, ठीक है। नाउ ये आपको पता है, अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताओ कि इस टर्म का मतलब क्या है, मतलब तो यहीं पे आ गया, बट ओरिजिन क्या है, लैटिन है, अमेरिकन है, ग्रीक है, ओरिजिन क्या है, जल्दी से मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताओ। और ये कौन दो वर्ड से बना है, ठीक है, एक डी से स्टार्ट होता है, एक जी से स्टार्ट होता है, वो कौन दो वर्ड्स हैं, दोनों वर्ड्स का मतलब मुझे बताओ, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चंस भी बहुत बार आए हुए हैं सीयूटी में। सो मेक श्योर दैट यू रिमेम्बर इट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, ठीक है, इस पर फोकस करो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फोकस ऑफ सोशल डेमोग्राफी, सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ पॉपुलेशन ए, बी इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ पॉपुलेशन, सी पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ पॉपुलेशन, डी बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। इसका आंसर तो भाई सबको आता होगा, ऑप्शन डी बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ पॉपुलेशन, क्योंकि सोशल डेमोग्राफी में ये सारे एस्पेक्ट्स देखे जाते हैं। नाउ डेमोग्राफी जैसे आपने पढ़ा होगा, इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है फॉर्मल और एक होता है सोशल, ठीक है। तो सोशल डेमोग्राफी ये सारे एस्पेक्ट्स कवर करता है एंड फॉर्मल डेमोग्राफी इज बेसिकली द क्वांटिटेटिव डेटा, वो मेजरमेंट करता है कि क्या कितनी पॉपुलेशन है, क्या ये है, क्या वो है। एंड सोशल डेमोग्राफी इज बेसिकली कि क्या रीजन है, क्या सोशल एस्पेक्ट है, मतलब जी जो पॉपुलेशन इतनी है ये किसके वजह से है, क्या इकोनॉमिक एस्पेक्ट है, ये सब ये आपको पता रहेगा, ठीक है। ये दो क्वेश्चन हमेशा रिपीट होते हैं सीयूटी में, सो इसे भी आप ध्यान से अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन वाज द फर्स्ट मॉडर्न सेंसस कंडक्टेड, ठीक है। ए द ब्रिटिश इंडियन सेंसस ऑफ 1867 और 72, द अमेरिकन सेंसस ऑफ 1790, सी द यूरोपियन सेंसस ऑफ द अर्ली 1800, डी द इंडियन सेंसस ऑफ 1881। करेक्ट आंसर है द अमेरिकन सेंसस ऑफ 1790, ठीक है। नाउ ये सारी जो डेटा है ना, ये आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट मॉडर्न सेंसस कंडक्टेड कहाँ हुआ, द अमेरिकन सेंसस ऑफ 1790 में हम बोलते हैं, और जो ब्रिटिश के साइड में कब हुआ था, मतलब बेसिकली यूरोपियन कंट्रीज में कब स्टार्ट हुआ था, तो 1800s में स्टार्ट हुआ, ठीक है। अब इंडिया में जो ब्रिटिश इंडियन सेंसस था वो कब स्टार्ट हुआ था, 1867 एंड 72 में, ठीक है। अब जो हमारा जो 1881 में जो इंडियन का सेंसस हुआ था, दैट वाज बेसिकली वो 10 ईयर्स के फॉर्मेट पे चलता था, जो हम लोग डेकेनियल या डिसेनियल भी बोलते हैं, डिसेनियल बोलते हैं, ठीक है। उससे हम बेसिकली जो 10 ईयर्स वाला जो सिस्टम था सेंसिस का, वो 1881 से शुरू हुआ था एंड इंडिपेंडेंस के बाद हमारी फर्स्ट जो सेंसिस हुई थी वो 1951 में हुई थी। सो ये डेटा अच्छे से याद कर लेना, क्वेश्चंस आते हैं। एंड अभी रिसेंटली कब हुआ है, बुक के अकॉर्डिंग 2011 में, ठीक है, ये आपको अच्छे से याद करना है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई आर डेमोग्राफिक डेटा इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर से एक इजी क्वेश्चन, ए फॉर द प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टेट पॉलिसीज, बी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट, सी फॉर द गवर्नेंस ऑफ सिटीज, डी ऑल ऑफ द अबव, ठीक है।
नाउ ये एक ऐसा क्वेश्चन है ना कि आपको लगेगा कि ये डी ऑप्शन है कि मतलब ये कौन सा ऑप्शन है, ऐसे ऊपर से पढ़ने में लग रहा है कि यार ये तो सिंपल क्वेश्चन है, बट व्हेन यू रीड इट वो एग्जाम प्रेशर में जो होता है ना, तुम्हें समझ में नहीं आता कि कौन सा आंसर सही है कौन सा आंसर गलत है. सो यू मेक श्योर दैट आपको अच्छे से सारा टेक्स्ट याद है, याद नहीं मतलब आपने एक बार अच्छे से रीड किया हुआ ताकि आपको ये कंफ्यूजन ना हो. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव. कूल. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू एमाइल डर्कहाइम व्हाट मस्ट बी एक्सप्लेन्ड बाय सोशल कॉजेस. तो ये भी एक टेक्स्ट से ही लिया गया है हमारे चैप्टर से, एंड इसमें लोग यूजली ध्यान नहीं देते, बट ये क्वेश्चन आया हुआ है एक बार, ज्यादा नहीं बट एक बार आया हुआ है, मेरे केस में आया हुआ था. तो इसका करेक्ट ऑप्शन आप चूज करो. एंड ऑप्शन ए है द रेट ऑफ बर्थ, बी द रेट ऑफ माइग्रेशन, सी द रेट ऑफ सुसाइड, डी द रेट ऑफ मैरिज. ठीक है, तो अगर आपने रीड किया होगा तो आपको अच्छे से मालूम होगा कि इसका आंसर है द रेट ऑफ सुसाइड. ठीक है, ये टेक्स्ट में दिया हुआ है. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज अ सिग्निफिकेंट इवेंट दैट हैपेंड इन यूरोप ड्यूरिंग द लेटर हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी दैट कंट्रीब्यूटेड टू द इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी. ठीक है, आराम से क्वेश्चन को पढ़ो. क्या सिग्निफिकेंट इवेंट था जो कि यूरोप में हुआ, कब हुआ, लेटर हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी में, जो सोशियोलॉजी के इमर्जेंस में कंट्रीब्यूट करता है. ठीक है, ऑप्शंस देखें. द फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट्स एज अ प्रिंसिपल फॉर्म ऑफ अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, बी द बिगिनिंग ऑफ द मॉडर्न साइंस ऑफ स्टेटिस्टिक्स, सी द बिगिनिंग ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, डी बोथ ए एंड बी. ठीक है, ऑप्शंस पढ़ा. नाउ आपको ये सारे ऑप्शन सही लग रहे होंगे, बट बुक के अकॉर्डिंग एंड जो मतलब जितना रेलिवेंस है सोशियोलॉजी के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग आंसर है बोथ ए एंड बी. ठीक है, नाउ बोथ ए एंड बी मतलब ये फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट्स, उस समय नेशन स्टेट्स की फॉर्मेशन हो रही थी जो कि एक नई फॉर्म थी हमारी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की, गवर्नेंस की, ये सब की. एंड दूसरा था हमारा मॉडर्न साइंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो कि हमारे सेंसस में बहुत ज्यादा यूजफुल था, इसलिए इट कंट्रीब्यूटेड टू द इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन डिड रेगुलर 10 ईयरली और डिसेंशियल सेंससेस स्टार्ट इन इंडिया एज आई सेड. ठीक है, नाउ अब ऑप्शन चूज करो एंड इसका सही आंसर है 1881. ठीक है, अभी 1951 में बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, यार ये 1951 क्यों नहीं है, क्योंकि 1951 में ना अगर यहाँ पे क्वेश्चन दिया रहता कि इंडिपेंडेंस के बाद कौन कब हुआ था हमारा डिसेनियल या 10 ईयरली सेंसस कब स्टार्ट हुआ था इंडिया में, दैट वुड बी 1951, बट ऐसे इट वुड बी 1881. एंड कब, लाइक ऐसे नॉर्मल जो ब्रिटिश इंडियन सेंसस था वो कब स्टार्ट हुआ था, कब स्टार्ट हुआ था, 1867 से 72 तक, मतलब ऐसी डेटा दी हुई एग्जाम में बुक में. तो यू टेक केयर ऑफ दैट. ठीक है, लर्न हो गया, वेरी गुड. हमारा अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स एग्रीगेट स्टैटिस्टिक्स. ठीक है, एग्रीगेट स्टैटिस्टिक्स इसकी डेफिनेशन इसने पूछी है. ए देयर स्टैटिस्टिक्स दैट रिप्रेजेंट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंडिविजुअल, बी दैट रिप्रेजेंट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, सी दे आर न्यूमेरिकल कैरेक्टरिस्टिक्स दैट रेफर टू अ लार्ज कलेक्टिविटी कंसिस्टिंग ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल एंड ऑफर अ कॉन्क्रीट एंड स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ सोशल फेनोमेना, डी दे आर न्यूमेरिकल कैरेक्टरिस्टिक्स दैट रेफर टू अ स्पेसिफिक रीजन और एरिया. इसका करेक्ट आंसर है सी, ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिविजुअल नहीं डिटरमाइन करते हैं, मतलब रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, स्मॉल ग्रुप को भी नहीं करते. एग्रीगेट स्टैटिस्टिक्स, एग्रीगेट का मतलब क्या होता है, ओवरऑल. ठीक है, सो इट रेफर्स टू अ लार्ज कलेक्टिविटी. ठीक है, एंड इट ऑफर्स अ कॉन्क्रीट एंड स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द सोशल फेनोमेना. स्टैटिस्टिक्स सेंसस से रिलेटेड, ठीक है, एंड इट बेसिकली टॉक्स अबाउट द सोशल फेनोमेना कि कैसे ये इफेक्ट करती है अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, अ लार्ज कलेक्टिविटी कंसिस्टिंग ऑफ बिलियंस ऑफ पीपल. तो ये आपको डेफिनेशन अच्छे से पढ़ना होगा तभी आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे सीयूईटी में. और नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डेथ रेट. ठीक है, फिर से एक इजी क्वेश्चन. ए नंबर ऑफ डेथ्स पर 100 पॉपुलेशन, बी नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 पॉपुलेशन, सी नंबर ऑफ डेथ्स पर 10,000 पॉपुलेशन, डी नंबर ऑफ डेथ्स पर 1 लाख पॉपुलेशन. नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 पॉपुलेशन. ठीक है, हु इज एसोसिएटेड विद द थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ. ठीक है, अब फिर से एक इजी क्वेश्चन. कौन है आदमी, कौन है हमारा वो थ्योरिस्ट जो इस पॉपुलेशन ग्रोथ की थ्योरी से एसोसिएटेड है. ठीक है, आंसर है थॉमस रॉबर्ट माल्थस. ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर. अकॉर्डिंग टू माल्थस
फिर से ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सो मेक श्योर डेमोग्राफी चैप्टर से यूजुअली क्वेश्चंस इसी टॉपिक से आते हैं, तो आप उस चैप्टर को पहले अच्छे से पढ़ो, उस टॉपिक को पहले अच्छे से पढ़ो, देन ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना, ठीक है? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू मैथस ह्यूमन पॉपुलेशन टेंड टू ग्रो एट अ रेट दैट इज, ठीक है ध्यान से पढ़ना, ऑप्शन ए स्लोअर देन द रेट ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, कम रेट से चलता है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन से, इक्वल टू द रेट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इक्वल रहता है, फास्टर देन द रेट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, डी नॉट रिलेटेड टू द रेट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। हमारा करेक्ट आंसर है फास्टर देन द रेट ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, ठीक है? तो मैल्थस की थ्योरी क्या बोलती थी कि ह्यूमन पॉपुलेशंस यूजुअली एक फास्टर रेट से बढ़ते हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्शन से, ठीक है? एंड दैट कुड बी अ प्रॉब्लम फॉर अस, ठीक है? उसकी ये थ्योरी थी। एंड अकॉर्डिंग टू हिम इट मेंट दैट कि अगर हम अगर हमें प्रॉस्पेरिटी, अगर हमें अपनी लाइवलीहुड बचाना है, तो हमें अपनी पॉपुलेशन को कम करना पड़ेगा, ठीक है? एंड आगे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं, तब आपको अच्छे से मैं समझाती हूँ, ठीक है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैल्थस थ्योरी सजेस्ट दैट पॉपुलेशन ग्रोज इन डैश प्रोग्रेशन व्हाइल एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन ग्रोज इन डैश प्रोग्रेशन। फर्स्ट ऑप्शन ए एरिथमेटिक ज्योमेट्रिक, बी ज्योमेट्रिक एरिथमेटिक, सी लीनियर एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल, डी एक्सपोनेंशियल लीनियर। हमारा करेक्ट आंसर है ज्योमेट्रिक एंड अरिथमेटिक। नाउ इसको अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो मैथस ने क्या बोला था कि पॉपुलेशन बड़े रेट से चलती है, ठीक है? बड़े रेट मतलब जल्दी जल्दी बढ़ती है, ठीक है? एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन उतना ज्यादा हाई रेट पे नहीं चलता, वो मतलब इक्वल नहीं रहता, इक्वल रेट से नहीं चलता है। तो दैट मींस ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से चलती है हमारी पॉपुलेशन। मतलब जैसे मैं दिखा रही हूँ ना यहाँ पे 2, 4, 8, 16 कैसे डबल हो रहा है, तो वैसे ही हमारी रेट ऑफ ग्रोथ होती है, डबलिंग इफेक्ट समझ लो, ऐसे कर लो, बेसिकली ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है। कैसे इसका जो थर्ड प्लेस है इस प्रोग्रेशन का इट्स 8, एंड कैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में इसका थर्ड प्लेस इज 6, मतलब रेट कम है, राइट? सो इसमें एडिशन हो रहा है, 2 + 2 = 4, 4 + 2 = 6, मैंने ऐसे ऐड किया था बोर्ड्स के लिए। एंड इसमें मल्टीप्लीकेशन होता है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, पॉपुलेशन ग्रोथ जो शो करता है, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, तो ऐसे करके आप लर्न कर सकते हो, ऐसे भी ट्रिक से आपको याद रहेगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसी टॉपिक से, अकॉर्डिंग टू मैल्थस व्हाट आर द पॉजिटिव चेक्स टू पॉपुलेशन ग्रोथ। समझा क्वेश्चन, पॉजिटिव चेक्स पूछ रहा है, ऑलराइट? ए फेमाइंस एंड डिजीजेस, बी इकोनॉमिक ग्रोथ, सी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, डी इंक्रीज इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। हमारा करेक्ट आंसर है फेमाइंस एंड डिजीजेस। नाउ पॉजिटिव चेक्स क्या होते हैं, तो पॉजिटिव चेक्स लाइक जैसे मैंने बोला ना कि अकॉर्डिंग टू मैल्थस हमें अपनी पॉपुलेशन को कम करना पड़ेगा जस्ट टू सस्टेन आर लाइवलीहुड। वो सारे जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है, उसको अगर मेंटेन रखना है तब, ठीक है? तो यहाँ पे उसने बताया कि जो ह्यूमन पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के वेज है ना, वो काफी ज्यादा लिमिटेड है। एक हमारा नेचर काम करता है, एक हमारी नेचर काम करती है जो कि उसका वे कहलाता है हमारा पॉजिटिव चेक्स। नाउ पॉजिटिव चेक्स मतलब जैसे नेचुरल कैलामिटीज, जो नेचुरल प्रॉब्लम्स है, जैसे आउटब्रेक हो गया किसी डिजीज का, ये सारी चीजें जो ह्यूमन पॉपुलेशन को कम करती है उसे हम पॉजिटिव चेक्स बोलते हैं। इट्स लाइक अ नेचर्स वे, इट्स लाइक द नेचर्स वे टू कंट्रोल आर पॉपुलेशन, ठीक है? तो फेमाइंस एंड डिजीजेस आती है। अब उसने दूसरा क्या बताया था वे जिससे हम अपनी पॉपुलेशन कंट्रोल कर सकते हैं, वो है हमारे प्रिवेंटिव चेक्स। नाउ प्रिवेंटिव चेक्स इज व्हाट, नाम से ही पता चलता है, प्रिवेंट करते हैं हम, ठीक है? तो बेसिकली प्रिवेंटिव चेक्स में क्या होता है, हम अपनी ह्यूमन पॉपुलेशन को ऐसे रोक सकते हैं बाय पोस्टपोनिंग आर मैरिज और बाय डूइंग सेलिबेसी। सेलिबेसी मतलब नॉट इंगेजिंग इन सेक्सुअल रिलेशनशिप्स एंड नॉट इंक्रीजिंग द पॉपुलेशन, उसको हम सेलिबेसी बोलते हैं, ठीक है? तो ये होता है हमारे प्रिवेंटिव चेक्स जो कि हम करते हैं, एंड पॉजिटिव चेक्स नेचर करती है, ठीक है? मैंने थोड़ा ड्रैग कर दिया, बट आई होप यू अंडरस्टूड दिस। इसके बीच का डिफरेंस भी आता है एसईबीटी में, तो इसको मार्क कर लेना अच्छे से। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द क्रिटिसिज्म अगेंस्ट मैल्थस थ्योरी, ठीक है? ऑप्शन ए हिज थ्योरी वाज टू ऑप्टिमिस्टिक, बी ही अंडरस्टिमेटेड द रेट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, सी ही डिड नॉट कंसिडर द इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, डी ही एट्रीब्यूटेड पॉवर्टी टू पॉपुलेशन ग्रोथ इग्नोरिंग द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। नाउ ये क्वेश्चन में ना आपको सारे आंसर्स करेक्ट लग रहे होंगे एज यूजुअल, बट जैसे मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि आपको बेस्ट पॉसिबल
बेसिकली जो सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट आंसर है उसको सेलेक्ट करना है, और जो सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर उसको सेलेक्ट करना है, ठीक है. सो द आंसर इज ही एट्रीब्यूटेड पॉवर्टी टू पॉपुलेशन ग्रोथ इग्नोरिंग द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है. ये सब इसी के अंदर आते हैं, बट दिस इज द बेस्ट पॉसिबल आंसर, सो यू हैव टू सेलेक्ट दिस. और ये लिखा भी हुआ है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज शुड बी योर की वर्ड ओवर हियर, ठीक है. इसका ही क्रिटिसिज्म था यूजली मैथस के थ्योरी में. और ये किसने दिया, किसने था, तो बेसिकली लिबरल एंड मार्क्सिस्ट स्कॉलर्स ने ये बताया था कि बेसिकली जो प्रॉब्लम है पॉवर्टी का एंड ये सब लैक ऑफ लाइवलीहुड का, ये पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से सिर्फ नहीं होता, इट्स बिकॉज ऑफ द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, कैसे हमारी सोसाइटी अनइक्वल है उसके वजह से. तो दिस वॉज द क्रिटिसिज्म डन बाय हूम, लिबरल एंड मार्क्सिस्ट स्कॉलर्स, एंड दिस वॉज द रीजन. द हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस ऑफ विच रीजन प्रोवाइडेड द मोस्ट इफेक्टिव रेफ्यूटेशन ऑफ मैल्थस थ्योरी, ठीक है. अब ये क्या एग्जाम्पल था हमारा, क्या हिस्टोरिकल एग्जाम्पल था जो कि मालथस थ्योरी को रिफ्यूट करती है, रिफ्यूट मतलब अपोज करती है या उसको कॉन्ट्रडिक्ट करती है, ठीक है. सो ये ऑप्शन है एशियन कंट्रीज, अफ्रीकन कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज, नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज. तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सी, यूरोपियन कंट्रीज. क्यों हुआ था ये आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में पता चलेगा. ऑल्सो ये जो मालथस की जो थ्योरी थी, ये इट इज फ्रॉम दी एसे ऑन पॉपुलेशन, ठीक है. इसे भी आपको याद करना है, ये क्वेश्चन आता है सीवीटी में, एसे ऑन पॉपुलेशन. कौन सी ईयर थी, 1798, ठीक है. रीड कर लो, अपने आप पता चल जाएगा तुम्हें इजिली, 1798, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम. व्हाट वर द चेंजेस इन द पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इन द लेटर हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी, जो कि हमारे यूरोपियन कंट्रीज में देखा गया था, क्यों जो मैल्थस थ्योरी को रिफ्यूट करती है, कॉन्ट्रडिक्ट करती है. तो क्या ऑप्शन है हमारा, ए इंक्रीज इन बर्थ रेट्स एंड कंट्रोल ऑफ एपिडेमिक डिजीजेस, बी डिक्रीज इन बर्थ रेट्स एंड इंक्रीज इन एपिडेमिक डिजीजेस, सी डिक्रीज इन बर्थ रेट्स एंड कंट्रोल ऑफ एपिडेमिक डिजीजेस, डी इंक्रीज इन बर्थ रेट्स एंड इंक्रीज इन एपिडेमिक डिजीजेस. इसका करेक्ट आंसर है डिक्रीज इन बर्थ रेट्स एंड कंट्रोल ऑफ एपिडेमिक डिजीजेस, ठीक है. तो यही पैटर्न शो हो रहा था कि बर्थ रेट्स भी डिक्रीज हो गई थी और एपिडेमिक डिजीजेस भी वो भी कंट्रोल हो गया था आराम से ये यूरोपियन कंट्रीज में, ठीक है. विच कॉन्ट्राडिक्टेड द माल्थस थ्योरी. माल्थस थ्योरी क्या कह रही थी कि बर्थ रेट्स बढ़ते जाते हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को वो सरपास कर देंगे, एंड एपिडेमिक डिजीज बहुत होंगे बिकॉज नेचर विल ट्राई टू कंट्रोल द पॉपुलेशन, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ. एंड आगे चलकर उसे क्रिटिसिज्म भी मिल गया. मार्क्सिस्ट एंड जो भी हमारे लिबरलिस्ट थ्योरिस्ट थे, उन्होंने क्या बोला था कि पॉपुलेशन की वजह से कोई लिंक नहीं है तुम्हारे पॉवर्टी और इसका, द थिंग इज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन चलता है इसलिए पॉवर्टी एंड हमारी लैक ऑफ लाइवलीहुड चलती है सोसाइटी में, ठीक है. सो दिस इज द थिंग, यू नीड टू रीड दिस एज वेल, ठीक है. ये लास्ट पार्ट है हमारा इसका, एंड यस मैथस थ्योरी यहाँ पे खत्म. फाइन, उसके आगे का जो पार्ट है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उस पर क्वेश्चन करते हैं, ठीक है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, ठीक है. ये क्वेश्चन भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन अच्छे से रीड कर लो तुम लोग, ठीक है. इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन द पॉपुलेशन ग्रोथ इज लो बिकॉज ए बोथ द डेथ रेट एंड द बर्थ रेट आर वेरी हाई. Both the death rate and the birth rate are very low. The death rate is high and the birth rate is low. The death rate is low and the birth rate is high. ठीक है, ये डी ऑप्शन. The correct option is both the death rate and the birth rate are very high. Now, demographic transition था क्या, तो मैं आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ. तो देर आर बेसिकली थ्री स्टेजेस ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, ठीक है. फर्स्ट स्टेज होता है जो कि बेसिकली अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में देखा जाता है, जहां पे हमारा ग्रोथ रेट बहुत कम होता है, जो हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत कम होता है बिकॉज हमारा बर्थ रेट भी हाई होता है एंड ग्रोथ डेथ रेट भी हाई होता है, ठीक है. बर्थ रेट तो यूजली पॉपुलेशन हाई होती है, डेथ रेट हाई होती है बिकॉज ऑफ डिजीजेस एंड एवरीथिंग. तो इसका जो नेट ग्रोथ रेट होता है ना, क्योंकि नेट ग्रोथ रेट कैसे निकलते हैं हम लोग, बर्थ रेट माइनस डेथ रेट, ठीक है. वो नेट ग्रोथ रेट, जो नेट पॉपुलेशन ग्रोथ है वो निकलती है, तो वो लो इसलिए होती है बिकॉज हमारा फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में दोनों ये डेथ रेट एंड बर्थ रेट दोनों हाई होती है, ठीक है. नाउ दूसरा ट्रांजिशन जो होता है हमारा, दूसरा स्टेज होता है, वो ट्रांजिशन का होता है, ठीक है. दैट इज योर
दैट इज बेसिकली सीन इन द डेवलपिंग कंट्रीज, या जो हमारी जो डेवलपमेंट अभी कंटिन्यूएशन में है वैसी वाली कंट्रीज जैसे इंडिया, तो वहां पे सेकेंड स्टेज देखा जाता है जिसमें यूजुअली टर्म यूज किया जाता है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का. ठीक है, इस स्टेज में क्या होता है, हमारी ग्रोथ रेट बहुत हाई होती है बिकॉज बर्थ रेट वैसा का वैसा रहता है या फिर इंक्रीज होता रहता है, और डेथ रेट कम हो जाती है. डेथ रेट क्यों कम होती है, बिकॉज सिंस वो जो कंट्री है वो डेवलप कर रही है, वो एपिडेमिक को कंट्रोल करती है, वो डिजीजेस के आउटब्रेक को कंट्रोल करती है, जिसकी वजह से डेथ रेट तुम्हारा कम हो जाता है. नाउ बर्थ रेट हाई है, डेथ रेट कम है, तो ग्रोथ रेट क्या होगा, बढ़ेगा ना. अब जब ग्रोथ रेट बढ़ेगा उसी को हम लोग पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहते हैं. ये तुम्हारा हो गया सेकेंड स्टेज. ठीक है, लास्ट थर्ड स्टेज, इस ये थोड़ा ट्रिकी है क्योंकि फर्स्ट स्टेज में भी तुम्हारा पॉपुलेशन ग्रोथ कम था, इस स्टेज में भी पॉपुलेशन ग्रोथ कम है, बट द थिंग इज यहाँ पे तुम्हारा बर्थ रेट भी लो होता है और डेथ रेट भी लो होता है. ठीक है, लो बर्थ रेट बिकॉज सिंस डेवलप्ड कंट्रीज में जो रिप्रोडक्टिव बिहेवियर होता है वो और रिड्यूस्ड हो जाता है, एंड जो डेथ रेट है वो ऑलरेडी यहाँ सेकेंड स्टेज में ऑलरेडी कम हो जाती है बिकॉज एपिडेमिक्स और डिजीजेस को कंट्रोल करने के बहुत सारे एड्स आ जाते हैं और बहुत सारी डेवलपमेंट हो जाती है मेडिसिनल वर्ल्ड में भी. ठीक है, तो थर्ड स्टेज में भी तुम्हारा लो पॉपुलेशन ग्रोथ होता है, फर्स्ट स्टेज में भी लो पॉपुलेशन ग्रोथ होता है, बट यहाँ पे हाई बर्थ रेट हाई डेथ रेट, और थर्ड में होता है लो बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट. ठीक है, समझा तुम्हें अच्छे से तो वेरी गुड, एंड अगर नहीं समझा तो तुम फिर से रीड कर लो टेक्स्ट को, बहुत इजी है, समझ जाओगे. ठीक है, इसके आगे के क्वेश्चंस उसी पे भेजा तो तुम लोग आई गेस आराम से इसको आंसर कर लोगे. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज असर्शन रीजन क्वेश्चन आ गया तुम लोगों के सामने. असर्शन, नाउ असर्शन रीजन को पता है कैसे सॉल्व करते हैं, तुम लोगों को तो पता ही होगा, अभी तुमने बोर्ड्स दिया है. असर्शन एक स्टेटमेंट है और रीजन बेसिकली उस असर्शन को एक्सप्लेन करता है कि ये जो भी है वो क्यों है, इसको एक्सप्लेन करता है, एंड उसके बेसिस पे तुम्हें ये सारे एमसीक्यू सेलेक्ट करने होते हैं. लेट्स रीड दैट क्वेश्चन. ठीक है, असर्शन है हमारा द ट्रांजिशनल स्टेज, जैसे मैंने बताया, ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन विटनेसेस अ सर्ज इन पॉपुलेशन, ऑफन रेफर टू एज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन. ठीक है, रीजन क्या है उसका, दिस सर्ज इज अ रिजल्ट ऑफ एन इंक्रीज इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन. ठीक है, ए बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन, बी बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, सी असर्शन इज ट्रू रीजन इज फॉल्स, डी असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू. इसका करेक्ट आंसर क्या है, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स. क्यों, अभी मैंने बताया था, क्योंकि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कब होता है, जब तुम्हारा बर्थ रेट वैसा का वैसा रहे या फिर बढ़ता रहे, एंड तुम्हारा डेथ रेट कम होता रहे, बिकॉज डेवलपिंग कंट्रीज में तुम्हारे जो इतने सारे डेवलपमेंट हो जाती है तुम्हारी हॉस्पिटल्स एंड मेडिसिन में, और फिर ये सारी इंसेंटिव्स आ जाते हैं तुम्हारे ये एपिडेमिक्स को कंट्रोल करने के लिए, पैंडेमिक्स को कंट्रोल करने में, तो इसलिए डेथ रेट भी कम हो जाती है, इसीलिए तुम्हारा जो नेट पॉपुलेशन ग्रोथ है वो बढ़ जाता है. ठीक है, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन. ठीक है, सो असर्शन तुम्हारा ट्रू है, एकदम 100% करेक्ट है, बट रीजन गलत है, एक्सप्लेन भी नहीं करता तो रीजन गलत है. ठीक है, अब हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द बर्थ रेट, ए द नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 पॉपुलेशन, बी द नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स पर 1000 पॉपुलेशन, द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स, द नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स पर 1000 वुमेन इन द चाइल्ड बेयरिंग एज ग्रुप. ठीक है, अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन बट ये आता है. ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है द नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स पर 1000 पॉपुलेशन, सिंपल है. ठीक है, नाउ नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 पॉपुलेशन क्या हो गया, डेथ रेट हो गया, द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स क्या हो गया, तुम्हारा नेट ग्रोथ रेट जो मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में कराया था वो, एंड इसको द रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज भी बोलते हैं, तो मेक श्योर दैट यू रिमेंबर इट. एंड द नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स पर 1000 वुमेन इन द चाइल्ड बेयरिंग एज ग्रुप इज द फर्टिलिटी रेट. आगे क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट डज इट मीन व्हेन अ पॉपुलेशन हैज रीच द रिप्लेसमेंट लेवल. ठीक है, ए इट इज इंक्रीजिंग रैपिडली, बी इट इज डिक्रीजिंग रैपिडली, सी द बर्थ रेट इज हायर देन द डेथ रेट, और डी दे आर अप्रोक्सीमेटली इक्वल. करेक्ट आंसर है इसका, द बर्थ रेट एंड द डेथ रेट आर अप्रोक्सीमेटली इक्वल. नाउ रिप्लेसमेंट लेवल एज अ नेम सजेस्ट, जब तुम्हारा न्यू जनरेशन रिप्लेस करता है ओल्डर जनरेशन को. ठीक है, और वो कब होता है, जब तुम्हारा बर्थ रेट एंड डेथ रेट दोनों इक्वल हो, जब तुम्हारा नेट ग्रोथ रेट, रिमेंबर द डिफरेंस बिटवीन बी आर एंड डी आर, बर्थ रेट एंड डेथ रेट, वो तुम्हारा जीरो होता है. ठीक है, दैट इज योर रिप्लेसमेंट लेवल. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. वॉट इज अ फर्टिलिटी रेट रेफर टू, द नंबर ऑफ लाइव बर्ड्स टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्ड्स दैट हाइपोथेटिकल वुमेन वुड हैव इफ शी लिव थ्रू द
रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, द नंबर ऑफ डेथ ऑफ बेबीज बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर पर 1,000 लाइफ बर्थ्स. इसका करेक्ट आंसर है तुम्हारा द नंबर ऑफ लाइफ बर्थ्स पर 1,000 वुमेन इन द चाइल्ड बेरिंग एज ग्रुप. नाउ ये चाइल्ड बेरिंग एज ग्रुप क्या है, 15 to 49. इसको भी याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है. नाउ बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं तुम्हारे फर्टिलिटी रेट में एंड टोटल फर्टिलिटी रेट में. फर्टिलिटी रेट क्या होता है, जैसे अभी मैंने बताया, नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स पर 1,000 वुमेन इन द चाइल्ड बेरिंग एज ग्रुप, ठीक है. एंड टोटल फर्टिलिटी रेट क्या होता है, जब ये वर्ड टोटल आता है, द टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स दैट आर हाइपोथेटिकल वुमेन, मतलब इमेजिनरी इमेजिनरी वुमेन वुड हैव इफ शी लिव्ड थ्रू द रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप and had the average number of babies in each segment of this age group. Basically, the total number of live births जो कि हो सकता है किसी वुमेन से ड्यूरिंग अ रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, बहुत ही हाइपोथेटिकल सिचुएशन में, ठीक है, उसे हम टोटल फर्टिलिटी रेट बोलते हैं. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज अ क्रूड रेट रेफर टू इन डेमोग्राफिक टर्म्स, ठीक है. ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान देना. अ रेट दैट टेक्स इन टू अकाउंट डिफरेंसेज अक्रॉस एज ग्रुप्स, बी अ रेट दैट इज रफ एवरेज for an entire population and does not take account for the differences across age groups, C a rate that is specific to a certain age group, D a rate that is adjusted for population size. ठीक है, pause करो, answer लिखो. इसका सही answer है a rate that is rough average for an entire population and does not take account for the differences across age groups. ठीक है, now simple भाषा में बताओ तो crude मतलब raw, natural या basically rough तुम समझो, जैसे हमारे घर में crude oil आता है ना वैसे, ठीक है. now ये किस कॉन्टेक्स्ट में दिया हुआ है, तो तुम्हारे टोटल फर्टिलिटी रेट में, बिकॉज एज वी सेड वो हाइपोथेटिकल सिचुएशन था एंड बेसिकली एक रफ एवरेज था वो, तो दैट इज अ क्रूड रेट और लाइक अ क्रूड थिंग इन सोशियोलॉजी. हमारा दूसरा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ऐसे करिए, ठीक है. ऑप्शन ए इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट रेफर्स टू द नंबर ऑफ वुमेन हु डाई इन चाइल्ड बर्थ पर 1,000 लाइफ बर्थ्स, बी मेटर्नल मोर्टैलिटी रेट रेफर्स टू द नंबर ऑफ डेथ्स ऑफ बेबीज बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर पर 1,000 लाइफ बर्थ्स, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेफर्स टू द एस्टिमेटेड नंबर ऑफ ईयर्स दैट एन एवरेज पर्सन इज एक्सपेक्टेड टू सर्वाइव, ठीक है, डी नन ऑफ द अबव. इसका करेक्ट आंसर है तुम्हारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी वाला, बिकॉज इट्स बेसिकली द एस्टिमेटेड नंबर ऑफ ईयर्स दैट That an average person is expected to survive. Basically, तुम कितने साल जीते हो, एक एवरेज पर्सन कितना साल जीता है उसको हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी बोलते हैं, ठीक है. इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट क्या होता है, तो ये उल्टा कर दिया मैंने. इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट का डेफिनेशन होता है इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ डेथ्स ऑफ बेबीज बिफोर द एज ऑफ 1 per 1,000 लाइफ बर्थ, ठीक है, ये होता है हमारा इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट. मेटर्नल मोर्टैलिटी रेट क्या होता है, इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ वुमेन हु डाई इन चाइल्ड बर्थ पर 1,000 लाइफ बर्थ्स, ठीक है. ये दोनों भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके डेफिनेशन याद कर लेना. इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट क्या होता है, नंबर ऑफ डेथ्स ऑफ बेबीज बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर पर 1,000 लाइफ बर्थ्स, ठीक है. एंड मेटर्नल मोर्टैलिटी रेट रेफर्स टू द नंबर ऑफ वुमेन हु डाई इन चाइल्ड बर्थ पर 1,000 लाइफ बर्थ्स, ठीक है. सिंपल है, 1,000 लाइफ बर्थ्स दोनों में कॉमन है. यहाँ पे वुमेन मरती है एंड यहाँ पे इन्फेंट्स, ठीक है. ये भी दोनों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके डेफिनेशन तो याद कर लेना, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा असर्शन रीजन का. असर्शन ए द सेक्स रेशियो इज समवॉट इन फेवर ऑफ फीमेल्स इन मोस्ट सोसाइटीज, ठीक है. रीजन गर्ल बेबीज अपियर टू हैव एन एडवांटेज ओवर बॉय बेबीज इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस टू डिजीज इन इन्फेंसी एंड वुमेन हैव टेंडेड टू आउटलिव मेन, ठीक है. ये ऑप्शन है आपके एंड इसका करेक्ट आंसर है आपका बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. नाउ द सेक्स रेशियो इज समवॉट इन फेवर ऑफ फीमेल्स इन मोस्ट सोसाइटीज, मतलब बेसिकली हिस्टोरिकली देखा जाए तो यूजुअली जो सेक्स रेशियो होता है वो फीमेल के फेवर से, फीमेल के पर्सपेक्टिव से अच्छा खासा होता है. लाइक फीमेल्स आर इन ह्यूज नंबर्स इन सोसाइटीज पहले पहले में, ठीक है. एंड इसका क्या रीजन दिया गया है, क्योंकि जो गर्ल बेबीज होती हैं उनके पास रेजिस्टेंस पावर बहुत ज्यादा अच्छा होता है एंड उन्हें यूजुअली कोई प्रॉब्लम उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं करती है एंड हेंस वुमेन आउटलिव मेन यूजुअली, ठीक है. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द चेंजेस इन द एज स्ट्रक्चर ऑफ अ पॉपुलेशन एज इट डेवलप्स. नाउ एज स्ट्रक्चर क्या होता है आपका, बेसिकली द प्रोपोर्शन ऑफ द पीपल इन डिफरेंट एज ग्रुप्स रिलेटेड टू द टोटल पॉपुलेशन, कितने तुम्हारे एज ग्रुप्स में कितने ज्यादा लोग हैं अकॉर्डिंग टू द टोटल पॉपुलेशन, ठीक है. ए इस क्वेश्चन के ऑप्शंस देख ले, ए द प्रोपोर्शंस ऑफ द पॉपुलेशन इन द यंगर एंड ओल्डर एज ग्रुप्स रिमेन कांस्टेंट, बी द प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन इन द यंगर एज ग्रुप्स इंक्रीजेस व्हाइल द प्रोपोर्शन इन द ओल्डर एज ग्रुप्स डिक्रीजेस, सी द प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन इन द यंगर एज ग्रुप डिक्रीजेस व्हाइल द प्रोपोर्शन इन ओल्डर एज ग्रुप्स इंक्रीजेस,
एंड फ्लक्चुएट अनप्रेडिक्टेबल. इसका करेक्ट आंसर है द प्रपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन इन द यंगर एज ग्रुप्स डिक्रीजेस व्हाइल द प्रपोर्शन इन द ओल्डर एज ग्रुप्स इंक्रीजेस. ठीक है. नाउ एज एज स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन डेवलप्स. ठीक है. एज स्ट्रक्चर जब बढ़ता है तो जो तुम्हारे छोटे या जितने भी तुम्हारे यंगस्टर्स होते थे पहले, वो बढ़ के ओल्डर एज ग्रुप्स में आते हैं. एंड एज आर कंट्री डेवलप्स एज वेल, तो उसके वजह से भी तुम्हारे जितने भी मेडिसिन है या फिर हॉस्पिटल फैसिलिटीज है, बेसिकली तुम्हारे हेल्थ केयर फैसिलिटीज है, वो बढ़ते हैं. इसलिए भी ओल्डर एज ग्रुप इंक्रीज करता है. एंड ठीक है. एंड विथ टाइम द अवेयरनेस ऑल्सो कम्स की पॉपुलेशन बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, तो उससे तुम्हारा यंगर एज ग्रुप का भी डिक्रीज हो जाता है जितना भी प्रोपोर्शन है तुम्हारे सोसाइटी में. ठीक है. तो दिस इज वॉट इट मीन्स. यहाँ पे ध्यान देना होगा आपको क्वेश्चन में, हमेशा क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो. ठीक है. चेंजेस इन द एज स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन एज इट डेवलप्स. ठीक है. कैसे कैसे, जब एज स्ट्रक्चर किसी भी कंट्री जब बढ़ती है तो कैसे एज स्ट्रक्चर बढ़ता है. ठीक है. तो जो पहले यंगस्टर्स थे तुम्हारे, वो तो ऑलरेडी बूढ़े होते ही हैं, बट देन चेंजेस जैसे आते हैं, जैसे मैंने अभी बोला हेल्थ केयर फैसिलिटीज में, अवेयरनेस में, तो ऐसे भी चेंजेस आते हैं जहां यंगर एज ग्रुप्स कम हो जाते हैं एंड ओल्डर एज ग्रुप्स बढ़ जाते हैं. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज अ फॉलिंग डिपेंडेंसी रेशियो इन पॉपुलेशन इंडिकेट. ठीक है. ए, इट इंडिकेट्स एन एजिंग पॉपुलेशन and is a cause for worry. B, it indicates for a larger proportion of dependence relative to workers. C, it can be a source of economic growth. D, it indicates a larger proportion of workers related to their dependence, but this benefit is permanent. इसका करेक्ट आंसर है, इट कैन बी अ सोर्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड प्रोस्पेरिटी ड्यू टू द लार्जर प्रोपोर्शन ऑफ वर्कर्स रिलेटेड टू नॉन वर्कर्स. ठीक है. नाउ डिपेंडेंसी रेशियो क्या होता है? बेसिकली इट इज अ रेशियो ऑफ द पीपल हु आर द डिपेंडेंट्स. डिपेंडेंस मतलब या तो एकदम चिल्ड्रेन या तो एकदम ओल्डर एज ग्रुप्स का, जो जो काम नहीं करते बट दे आर डिपेंडेंट ऑन द वर्किंग क्लास. ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जब तुम्हारा डिपेंडेंसी रेशियो कम हो जाता है, ठीक है, व्हेन द डिपेंडेंसी रेशियो फॉल्स, मतलब डिपेंडेंट्स जो कि तुम्हारे ओल्डर एज ग्रुप्स के हैं, चिल्ड्रेन है, उनका रेशियो, उनका जब पॉपुलेशन कम हो जाता है तब क्या होता है? देन इट लीड्स टू अ सो देन इट बिकम्स अ सोर्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. आम सी बात है, जब डिपेंडेंस कम हो जाएंगे, जब डिपेंडेंसी कम हो जाएगी तो वर्किंग क्लास finally we'll focus on the economic growth, right? And it's basically because of the larger proportion of the workers relative to the non-workers. Now, बहुत लोग confused होंगे इस question, इस option से, ठीक है? Because it also says the same thing, but एक problem है इसमें. Option पढ़ते हैं, it indicates a larger proportion of workers relative to the dependents, but this benefit is permanent. No, even तो यहाँ तक ये सही है, this benefit is not permanent because ultimately जो तुम्हारे working class है, जैसे मैंने age structure में बताया था, तुम्हारी working class है, वो भी तो आगे चल के बूढ़ी ही होगी ना, है कि नहीं? तो इसलिए it is not permanent, it is temporary. ठीक है. Our next question is assertion reason. A, assertion, the death rate in India declined after 1921. Reason, the influenza epidemic of 1918 and 1980 to 19 had a significant impact on India's population. ये सारे options हमारे. इसका correct answer है, both A and R are true, but R is not the correct explanation of A. ठीक है. Now, death rate in India declined after 1921. इसको हम लोग great divide भी बोलते हैं. आगे मैं बताती हूँ. ठीक है. And इसका reason ये नहीं था. इसका reason ये था कि धीरे धीरे करके हमारे पास health facilities आने लगी, medicines आने लगे, जिससे हम एपिडेमिक्स को कंट्रोल कर सकते हैं, डिजीजेस को कंट्रोल कर सकते हैं. एंड इसी वजह से यहाँ पे हमारा जो ट्रांजिशन हमने पढ़ा है ना, वो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, हम लोग उस बीच वाले स्टेज में आ गए थे जब हमारा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होना स्टार्ट हो गया था. दिस इज ऑल्सो नोन एज अ ग्रेट डिवाइड. यहाँ से हम फर्स्ट स्टेज से सेकेंड स्टेज पे आए थे. ठीक है. एंड इसलिए रीजन इसका ये नहीं होगा. ऑल्दो ये रीजन ट्रू है, मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है. इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक हुई थी 1918 और 1919 टू 1999 में, और ये काफी ज्यादा इफेक्ट की थी हमारे पॉपुलेशन को. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये दो बार आ गया है सीबीटी में, तो इसको अच्छे से मार्क कर लो और लिख लो कहीं पे. ठीक है. तो क्वेश्चन है, सूरत विटनेस्ड अ स्मॉल एपिडेमिक ऑफ डैश इन सितंबर 1994, व्हाइल डैश एंड डैश एपिडेमिक्स आर सिंस रिपोर्टेड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री. ये सारे ऑप्शन है, पॉज करके देख लो. इसका करेक्ट आंसर है प्लेग, डेंगू, चिकनगुनिया. ठीक है. तो स्मॉल एपिडेमिक किसका था सूरत में? प्लेग का था. एंड ये दोनों एपिडेमिक्स अभी भी देखे जा रहे हैं. कौन से एपिडेमिक्स? डेंगू या डेंगी जो भी है, चिकनगुनिया. ठीक है, ये दोनों. नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज अमर्त्य सेन. दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. ये मेरे पेपर में भी आया था,
एंड मेरे फ्रेंड्स के भी पेपर में आया था, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. 2022 में भी आया था, 2023 में भी आया था. ठीक है, क्वेश्चन इज, अमर्त्य सेन एंड अदर्स हैव प्रपोज दैट फेमाइंस बट नॉट नेसेसरली अ रिजल्ट ऑफ डैश, इंस्टेड दे कुड ऑल्सो बी अट्रीब्यूटेड टू द डैश विच रेफर्स टू द इनेबिलिटी ऑफ पीपल टू एक्सेस और परचेस फूड. दीज आर द ऑप्शंस एंड आर करेक्ट आंसर इज डिक्लाइन इन फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन, फेलियर ऑफ एंटाइटलमेंट. इसको याद कर लो बिकॉज ऐसे भी सीयूटी में आ सकता है, फेलियर ऑफ एंटाइटलमेंट डैश करके. तो उसमें ऑप्शन दिया रहेगा, आपको अमर्त्य सिंह चूज करना पड़ेगा. सो बेसिकली उनके अकॉर्डिंग फेमाइंस वर नॉट नेसेसरली अ रिजल्ट ऑफ लाइक डिक्लाइन इन फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की वजह से, बट इट इज बेसिकली तुम्हारा इनेबिलिटी या अनईक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड एंड अदर प्रोडक्ट्स की वजह से होता है, जिसको हम फेलियर ऑफ एंटाइटलमेंट्स कहते हैं इस केस में. ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू बेस्ड ऑन द एज स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया. ठीक है, अब ये हमें स्टेटमेंट्स दी गई है दूसरे दूसरे स्टेट्स के बारे में और हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है. ये सारे आपके ऑप्शन है, पॉज करके देख लेना. एंड हमारा करेक्ट आंसर है, केरला इज बिगिनिंग टू अक्वायर एन एज स्ट्रक्चर लाइक दैट ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज. डेवलप्ड कंट्रीज में जैसे अब तुम्हारा यंगर पॉपुलेशन उतना ज्यादा नहीं है, ओल्डर पॉपुलेशन ऑन द अदर हैंड बहुत ज्यादा है. वाइल उत्तर प्रदेश हैज हाई प्रोपोर्शंस इन द यंगर एज ग्रुप्स. ठीक है, एंड उत्तर प्रदेश में एग्जैक्टली अपोजिट है, यहाँ पे यंगर एज ग्रुप ज्यादा है एंड ओल्डर एज ग्रुप्स कंपेरेटिवली कम है. ठीक है, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द सेक्स रेशियो इन इंडिया इज ट्रू. ठीक है, ऑप्शन पढ़ो. ए, द सेक्स रेशियो इन इंडिया हैज बीन कंसिस्टेंटली इंक्रीजिंग ओवर द पास्ट सेंचुरी. बी, द चाइल्ड सेक्स रेशियो इन इंडिया हैज बीन हायर देन द ओवरऑल सेक्स रेशियो हैज बीन एंड हैज बीन स्टेडीली इंक्रीजिंग. सी, द सेक्स रेशियो हैज इंक्रीज एंड इज नाउ 943 फीमेल्स पर 1000 मेल्स. हिस्टोरिकली द सेक्स रेशियो इन इंडिया हैज ऑलवेज बीन इन फेवर ऑफ मेल्स. ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है हमारा, द सेक्स रेशियो हैज इंक्रीज एंड इज नाउ 943 फीमेल्स पर 1000 मेल्स. दिस इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग. राइट, अब ऑप्शन ए तो बिल्कुल नहीं होगा, सेक्स रेशियो गिरता ही जा रहा है हमारे पास सेंचुरी से. एंड द चाइल्ड सेक्स रेशियो इज बेसिकली द सेक्स रेशियो ऑफ लाइक किड्स बिटवीन 0 to 6 ईयर्स ऑफ एज. ठीक है, दिस इज इट. एंड ये और बुरा है एज कम्पेयर टू द ओवरऑल सेक्स रेशियो, सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. And historically, the sex ratio in India has always been in favor of males. No, it has been in favor of females because female ki resistance capacity bahut zyada achhi hoti hai males ke comparison mein. Our next question is assertion reason. Haryana has the lowest child sex ratio among all states in India, while Arunachal Pradesh has the highest. ठीक है, reason, the decline in child sex ratio in India is due to the increased risk of death in childbirth that only women face. ये सारे options है आपके, correct answer है ये हमारा, A is true but R is false. Now, Haryana का सबसे ज्यादा lowest child sex ratio इसलिए है क्योंकि वहां पे एंड मतलब जो भी एरियाज में जहां पे lowest child sex ratio है वहां पे प्रॉब्लम इसकी नहीं है, बिकॉज ये जो हमारे जो मटर्नल मोर्टैलिटी रेट है, इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट है, ये काफी ज्यादा रिड्यूस हो गया है बिकॉज ऑफ मेडिसिनल फैसिलिटीज एंड एवरीथिंग, जो भी तुम्हारा हॉस्पिटल मैनेजमेंट है ये सबके वजह से. बट ये होता क्यों है, बिकॉज ऑफ द सेम ओल्ड सुपरस्टिशंस एंड जो चलती आ रही है ट्रेडिशंस की, बिकॉज ऑफ इल ट्रीटमेंट टुवर्ड्स वुमेन एंड एवरीथिंग, उसके वजह से. ठीक है, And not because of this. Hence, A is true, but R is false. ठीक है, ये बुक में भी देखो, for some people the answer could be, for some people नहीं मतलब सबके लिए the answer could have been B. Both A and R true, but R is not the correct explanation of A. But ये बुक में दिया हुआ है, NCERT में दिया हुआ है, because अब ये प्रॉब्लम वैलिड नहीं है, अब हमारे पास इतना सारी मेडिसिनल फैसिलिटीज एंड एवरीथिंग है, तो दिस प्रॉब्लम इज नॉट वैलिड एट ऑल. एंड स्पेशली हरियाणा के केस में तो बिल्कुल नहीं, बिकॉज यहाँ पे ऐसी प्रॉब्लम्स होती आ रही है जो तुम्हारी फैमिली से रिलेटेड, जो भी तुम्हारी सुपरस्टिशंस है या जो भी तुम्हारा इल ट्रीटमेंट है टुवर्ड्स वुमेन एंड गर्ल्स, तो उसके वजह से. ठीक है, दिस इज द रीजन, दिस इज द आंसर, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू रिगार्डिंग द यूज ऑफ सोनोग्राम टेक्नोलॉजी एंड गवर्नमेंट रेगुलेशन इन इंडिया. ठीक है, ये तुम्हारे सारे ऑप्शन है, पॉज करके रीड करो. एंड देन हमारा करेक्ट आंसर है बी, द इंडियन गवर्नमेंट हैज इनएक्टेड द प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स. नाउ ये ऑप्शन में नहीं था, बट आई हैव एडेड दिस बिकॉज तुम्हें ये एक बार देखना पड़ेगा, हो सकता है सीयूटी में ये डाल के दे दे कि किस कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड है, सो यू हैव टू रिमेंबर दैट.
It is the Regulation and Prevention of Misuse Act to prevent the misuse of sonogram technology for sex determination and selective abortion of female fetuses. ठीक है, ये हमारा आउट ऑफ ऑल दीज ऑप्शंस करेक्ट है. नाउ सोनोग्राम क्या है? तो सोनोग्राम ऐसा एक अल्ट्रासाउंड टाइप की टेक्नोलॉजी थी. तुम्हें डेफिनेशन मिल जाएगी बुक में. एंड विच वॉज यूज टू डिटेक्ट सम प्रॉब्लम्स या डिसऑर्डर्स, बट देन अगेन इसका मिस यूज होने लगा फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन एंड सिलेक्टिव अबॉर्शन ऑफ फीमेल फिटिस. ठीक है, जिससे हमारे जो भी फीमेल फिटिसाइड बहुत ज्यादा बढ़ने लगा था इंडिया में. ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा असर्शन रीजन. असर्शन लिटरेसी एज अ प्री रिक्विजिट टू एजुकेशन इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एम्पावरमेंट. ठीक है, रीजन, लिटरेसी इंक्रीजेस करियर कॉन्शियसनेस एंड पार्टिसिपेशन इन द नॉलेज इकोनॉमी, लीड्स टू हेल्थ अवेयरनेस, एनहांसेस पार्टिसिपेशन इन द कल्चरल एंड इकोनॉमिक वेलबींग ऑफ द कम्युनिटी. और ये सारे तुम्हारे ऑप्शंस है, ये सब देख लो. एंड हमारा करेक्ट आंसर है यस, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. सी, ये सारे इजी क्वेश्चंस भी आते हैं, सो इसको भी एक बार देख लेना. ऑलराइट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ इंडिया 2011, द परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन लिविंग इन रूरल एरियाज इज लेस देन 50%, 50-60%, 60-70%, मोर देन 70%. ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है बिटवीन 60% एंड 70%. ये क्वेश्चन नहीं आया सीबीटी में एक बार भी, बट ऐसे ही देख लो, बिकॉज सेंसस ऑफ इंडिया 2011 की डेटा थी, तो आई थॉट इट वॉज इम्पोर्टेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दिस इज इम्पोर्टेंट, एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट अप्रोक्सिमेटली वॉट फ्रैक्शन ऑफ इंडिया ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट टूडे. ठीक है, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8, दिस इज इम्पोर्टेंट. सो इसका करेक्ट आंसर है तुम्हारा 1/6. ये स्टेटमेंट दी हुई है एनसीईआरटी में, सो जस्ट चेक इट आउट. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वॉट इज अ सिग्निफिकेंट ट्रेंड, वॉट इज अ सिग्निफिकेंट ट्रेंड इन इंडिया पॉपुलेशन डायनेमिक्स. क्या वो ट्रेंड है जो भी चल रहा है इंडिया के पॉपुलेशन डायनेमिक्स में? ठीक है, दीज आर दी ऑप्शन, अर्बन एरियाज आर श्रिंकिंग ड्यू टू मास मीडिया इन्फ्लुएंस, बी द मेजोरिटी ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन लिव्स इन स्मॉल टाउन्स, सी रूरल टू अर्बन माइग्रेशन इज इंक्रीजिंग मास मीडिया के वजह से, डी रूरल एरियाज आर बिकमिंग लेस कनेक्टेड टू मार्केट प्रोसेस. द करेक्ट आंसर इज yes, rural to urban migration is increasing, influenced by factors like mass media, decline of common resources and the anonymity of city life. ठीक है, ये last pages में दिया हुआ है तुम्हारे chapter में, I guess सबको पता ही होगा ये answer. तो next question हमारा, ये आता है हमारा last important topic. ठीक है, तो इस chapter में जैसे मैंने बताया, first तुम्हारा Malthus का theory आता है, दूसरा demographic transition आता है, तीसरा जितने भी तुम्हारे ये डेफिनेशन है बर्थ रेट, डेथ रेट वगैरह वगैरह वो, एंड बाद में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला पार्ट होता है. तो इससे ज्यादा फोकस करना, इस पे ज्यादा फोकस करना. हमारा क्वेश्चन है, द नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इन इंडिया अनाउंस्ड इन 1952 एम टू इन्फ्लुएंस द रेट एंड पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ. ठीक है, हाउएवर ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी 1975 टू 1976 द प्रोग्राम इंट्रोड्यूस्ड अ कोएर्सिव प्रोग्राम ऑफ डैश which faced widespread opposition and was eventually abandoned. The program was then renamed as a National Family Welfare Program. ठीक है, ये तो मैंने पूरा तुम्हें टेक्स्ट ही दे दिया, बट एक बार रीड कर लो इसको. National Family Welfare Program and coercive methods were no longer used. What is it? A. Mass education, mass sterilization, mass vaccination, mass migration. सबको पता है आंसर, mass sterilization. ठीक है, लंबे लंबे पैराग्राफ्स भी दिए जाते हैं तुम्हें सीयूटी में ऐसे ही डराने के लिए, बट देखो कितना सिंपल क्वेश्चन था ये. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सेम कॉन्टेक्स्ट, व्हाट सिग्निफिकेंट चेंज अकर्ड टू द नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी पर्टिकुलरली इन रिलेशन टू द स्टेरिलाइजेशन मेथड्स. ठीक है, हमारा ऑप्शन ए है, द प्रोग्राम वॉज अबैंडन्ड, स्टेरिलाइजेशन मेथड्स वर नो लॉन्गर यूज्ड, द प्रोग्राम इंट्रोड्यूस अ कोएर्सिव प्रोग्राम ऑफ मास स्टेरिलाइजेशन इंक्लूडिंग वैसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी, द प्रोग्राम वॉज रीनेम्ड एज अ नेशनल फैमिली प्लान वेलफेयर प्रोग्राम एंड स्टेरिलाइजेशन मेथड्स वर रिप्लेस्ड विद अदर बर्थ कंट्रोल मेथड्स, नन ऑफ द अबव. ठीक है, अगेन वो क्वेश्चन तुम्हें सिमिलर लग रहा होगा, बट दिस इज इम्पोर्टेंट बिकॉज ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में. द करेक्ट आंसर इज द प्रोग्राम इंट्रोड्यूस्ड अ कोएर्सिव प्रोग्राम ऑफ मास स्टेरिलाइजेशन इंक्लूडिंग वैसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी. ठीक है, नाउ तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा, इट इज ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी. ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी में क्या हुआ था? आफ्टर में होता तो हम भले ये नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम कंसिडर करते जो कि बाद में आया था, बट ड्यूरिंग पूछा गया है तो मास स्टेरिलाइजेशन वाला पॉइंट. नाउ एडेड वैसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी ऐसी ताकि तुम्हें पता चले किसके लिए है. तो वैसेक्टोमी वाज फॉर मेन एंड ट्यूबेक्टोमी वाज फॉर वुमेन. ठीक है, सो विद दिस वी आर फाइनली डन विद अवर चैप्टर. जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बन सकते थे इस चैप्टर से वो हमने कर लिए हैं, एंड
Maybe you just can read your NCERT and solve these MCQs and you'll be pretty much done. All right. Now, if you still have any problem about any topic or any question or any answer that you didn't get, feel free to comment. I'll be very, very happy to solve those queries of yours. And if you really enjoyed this video, MCQs padhkar achha laga, then please do consider liking and sharing this video. And yeah, subscribe to Twin Bros for more such content. All the best for your CBT examinations.